मध्य प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता के चलते कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राजधानी भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, खंडवा, छिंदवाड़ा, रीवा, सागर और जबलपुर जैसे जिलों में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नर्मदा सहित अन्य नदियों के जलस्तर पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। 1 जून से 23 अगस्त 2024 तक प्रदेश में कुल 770 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से 9% अधिक है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और कई जिलों में टीमें तैनात कर दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। खासकर चंबल संभाग में हल्की बारिश, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभागों में मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहा। शुक्रवार को ग्वालियर 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म शहर रहा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर बीएस यादव ने बताया कि बीकानेर, सीकर, उरई होते हुए बंगाल की खाड़ी तक लो प्रेशर फैला हुआ है। इसके साथ ही मॉनसून ट्रफ महाराष्ट्र तट के पास अरब सागर में सक्रिय है। इन परिस्थितियों के चलते पश्चिम मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा और झारखंड के ऊपर एक अन्य चक्रवातीय परिसंरचन के कारण मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। शनिवार को राज्य के 23 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश से अति बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर छिंदवाड़ा, सिवनी, इंदौर, उज्जैन, देवास, खरगोन, बुरहानपुर और बालाघाट जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, भोपाल और जबलपुर जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। गुना, आगर, शिवपुरी, श्योपुर, कला, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शहडोल, दतिया, सिंधी, अनूपपुर, डिंडौरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिंगरौली जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, हरदा और धार जिलों में भी भारी बारिश के कारण हल्के बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। राज्य प्रशासन ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिला प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। प्रभावित जिलों में राहत और बचाव दलों की तैनाती की गई है और नदियों के बढ़ते जलस्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।